हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राजेंद्र साइंस गुरु। टुडे क्लास फिफ्थ की चैप्टर बेटा फिफ्थ फूड एंड हेल्थ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फूड एंड हेल्थ, यू नो यू ईट एवरी डे फूड एंड यू हैव हर्ड अबाउट हेल्थ। हेल्थ के बारे में आप सुनते हैं एंड डिफरेंट योगाज आर देयर, डिफरेंट एक्सरसाइजेज, डिफरेंट प्रैक्टिस, यू प्ले द ग्रीन गेम्स, सो ऑल दीज मेंटेन योर हेल्थ। बट बिफोर इट यू नो वेरी वेल अबाउट द फूड। तो फूड इज व्हाट, अब मैं आपको पहले ये बताऊँगा फूड क्या है, किसे कहते हैं। सिंपल अगर ऐसे भी पूछें आपसे तो आप कहते हैं सर राइस, वेजिटेबल, पर्सेज, मिल्क एंड ऑल दैट, जो खाने वाली चीज़ें हैं, चावल, दाल, सब्जी, दूध, मक, फ्रूट्स एंड ये सारी चीज़ें, इसे हम फूड कहते हैं, खाना कहते हैं। लेकिन इन साइंस में आप कैसे बताएंगे, हाउ विल टेल दैट फूड इज व्हाट, फूड इज व्हाट इज फूड। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, पहला क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज फूड, देन फूड इज द सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम नेचर एंड कैन बी ईटन विच प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या हमने बताया कि फूड इज द सब्सटेंसेस विच वी गेट फ्रॉम नेचर एंड कैन बी ईटन आर दे आर इट बिल। वी गेट मैनी थिंग्स, हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो क्या सारी चीज़ें हम खा सकते हैं, वो हमें हमारी बॉडी को एनर्जी देंगी, क्वेश्चन इज दैट। सो दैट कैन बी ईटन एंड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे हमारा ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, दैट इज नोन एज फूड। सो फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट एज यू नो वेरी वेल दैट लिविंग कैरेक्टर, इन द लिविंग कैरेक्टर फर्स्ट वन इज द फूड आर न्यूट्रिशन, मीन्स वाट फ्रॉम वेयर डू वी गेट, फ्रॉम वाट डू वी गेट, हाउ वी कैन ईट, दिस इज द न्यूट्रिशन। सो इट इज इन दैट न्यूट्रिएंट्स, अब न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस विच हेल्प अस टू ग्रो, डेवलप एंड रिमेन हेल्दी अस, जो हमें क्या बोलते हैं, ग्रोथ करने में, बढ़ने में और हेल्थ बनाने में, हेल्दी रहने में हेल्प करे, दीज आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिमेन हेल्दी, वी हैव टू नॉट बी किल, राइट। जैसे सब डिजीज क्या हैं, बीमारियां क्या हैं, दे आर दी हेल्थ इज नेचर, वो हमारे हेल्थ को छीन लेते हैं, सो दैट वी हैव टू मेंटेन दिस। तो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से बेटा, न्यूट्रिएंट्स आर दी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये दीज आर दी न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स हैं, दिस इज दीज आर न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वन बाय वन एक एक करके हम आपको बताएंगे। एग्जांपल्स क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलेगा कहाँ, एंड सी व्हाट इज दिस, दिस इज शुगर, चीनी, देखें दिस इज शुगर एंड दिस शुगर इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दिस शुगर इज एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेरी सिंपल एग्जाम्पल विच वी गेट, जो हमें अक्सर मिलता है, लोग पानी पीने के लिए खाने जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हमें मिलता है स्वीट सब्सटेंस या ये गुड़ मिलता है, देखिए व्हाट इज दिस, गुड़ प्रिपेयर फॉर दी फ्रॉम दी शुगर केन जूस, जिसे गुड़ कहते हैं आप अच्छे जानते हैं, गुड़ यानी भेली जो कहा जाता है बहुत अच्छे जानते हैं, ये शुगर है और ये क्या है, गुड़ है, राइट। और जिसे जिसे इंग्लिश में जिगरी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जिगरी।
दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मीन्स स्वीट सब्सटेंसेज, जो भी मीठी चीजें हों, फ्रॉम दैट आवर बॉडी गेट्स दी कार्बोहाइड्रेट, सुगर, ग्रेन्स अनाज एंड रिपेन फ्रूट्स पके हुए फल, येल्लो रिपेन फ्रूट पके हुए फल, नाउ दीज डेज ऐसे मैंगोज हैं, आप आम देख रहे हैं बहुत सारा डेली यूज आप खाते भी हैं, तो व्हाट आर दीज आर वेरी स्वीट, सो दैट यू नो वेरी वेल दीज आर दी रिपेन फ्रूट एंड फ्रॉम दैट योर बॉडी गेट दी कार्बोहाइड्रेट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसे आप देख रहे हैं ना गुड़ और ये एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स के हैं, एंड ये कोई नई चीज नहीं है, इट इज नॉट वेरी न्यू, ये सभी लोग ये डेली यूज करते हैं। बेटा सेकेंड है फैट्स, फैट्स किसे मिलते हैं, ऑयल से, इट बिल खाने वाला तेल, अब पेट्रोल नहीं कर दीजिए, डीजल नहीं, सो इट बिल ऑयल्स, घी, क्रीम, इससे हमें क्या मिलता है, वी गेट द फैट्स। नाउ थर्ड एग्जाम्पल पल्सेज, प्रोटीन की कितनी मिलती है, पल्सेज, अब आपको हम पल्से दिखाएंगे, दाल, ये देखिए दाल, ये दिस इज पल्सेज, ये कौन से है, अरहर की दाल, ये प्रोटीन, ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये अरहर की दाल है, यू आर लुकिंग इट, इट इज ग्रेट सोर्स ऑफ पल्सेज, यू नो, यू सी, सी हियर, इट इज सोर्स ऑफ पल्सेज प्रोटीन, सो पल्सेज दाल, जितनी भी दालें हैं, फिश मछली, एग्स अंडे, मिल्क, मिल्क में भी प्रोटीन पाया जाता है, एंड सोयाबीन, सोयाबीन इज हैविंग मोर अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अब हम आपको सिंपल एग्जाम्पल बता दें, अगर आपने 4 eggs खाए, 4 अंडे, सपोज उससे मिलता है 1 mg, आप सपोज प्रोटीन मिला आपको, प्रोटीन, राइट, तो बेटा क्या बोलते हैं हम सोयाबीन कितना खाए, अगर हमने सोयाबीन 1 gram लिया, 1 gram सपोज हमारे बॉडी हमने खाए, तो सेम अमाउंट ऑफ दी प्रोटीन आवर बॉडी विल गेट, हमारे बॉडी को उतनी ही अमाउंट मिलेगी जितना 4 eggs यानी 4 अंडे खाने के बाद मिलती है। तो इट इज सेड सोयाबीन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन सोयाबीन, राइट। नाउ थर्ड एंड लास्ट दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आवर बॉडी के विटामिन मिनरल्स, इससे विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। नाउ अब आपको हम बताएंगे कि किस फूड को क्या कहा जाता है, एनी प्रॉब्लम न्यूट्रिएंट्स में, न्यूट्रिएंट्स मीन सब्सटेंसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड आवर हेल्थ कैन बी मेंटेन, ये न्यूट्रिएंट्स हैं। नाउ वन बाय वन आई हैव टू रीरेज इट, वेरी सिंपल एग्जाम्पल योर टीचर में टीच, बट इट इज वेरी यूनिक वन, यूनिक वेज में आई आई एम ट्राइंग टू टीच यू, बेटा आप इसे खूब ध्यान से पढ़ेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, जिससे आपको और अच्छी सी वीडियो मिलती रहे, और मैं सोचूं, मैं समझूं कि मैंने जो पढ़ाया वो शायद बहुत अच्छा है। नाउ आफ्टर दिस अब हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, जितनी भी मीठी चीज़ें हों उसमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए हम लोग किसी के घर पे जाते हैं तो पानी जो लोग लाते हैं हमारे रिफ्रेशमेंट के लिए, तो कोई पहले नमकीन चीज़ नहीं देता, पहले क्या देता है, स्वीट, क्योंकि उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। नाउ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बेटा ये क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, एनर्जी गिविंग फूड, गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं, एंड प्रोटीन को क्या कहते हैं, प्रोटीन
प्रोटीन्स को बेटा कहते हैं बॉडी बिल्डिंग से बॉडी बनती फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बॉडी बिल्डिंग योर आपकी लंबाई आपके आप बड़े हो जाते हैं, आपके हाथ पैर सारे बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, ग्रोथ होते हैं, एंड दिस इज ओनली ड्यू टू दी प्रोटीन एंड दैट इज बॉडी बिल्डिंग फूड। और नाउ लास्ट वन दैट इज विटामिन एंड मिनरल्स, इसमें फैट्स भी आता है, फैट्स भी एनर्जी की फूड में आता है बेटा। विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, मिनरल्स विटामिन एंड मिनरल्स बेटा इसे हम क्या कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड जो हमें हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से डिजीज से बचाता है, प्रोटेक्टिव फूड राइट। सो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एनर्जी गिविंग फूड। सपोज वेरी सिंपल एग्जांपल अगर हम आपको बताएं कि आपके आपने अपने पापा जी से मानिए 200 रुपीज है गाय, आपको 200 रुपये मिले, तो ये हो गया एनर्जी गिविंग फूड। नाउ हाउ यू हैव टू यूज इट, इसे कोई कहीं आपका कोई ले ले कुछ करना कर ले, आप इसे यूज करेंगे कुछ खाएंगे कुछ पढ़ने वाली चीज़ें नहीं, मेनी थिंग्स यू हैव टू परचेज। सो दिस वे यू हैव टू बिल्ड, आप बनाएंगे क्या बनाएंगे अपनी बॉडी को बाय ईटिंग समथिंग। सो आपकी जेब में आ गए 100 रुपीज़ 200 रुपीज़, दैट इज एनर्जी मिल गई, यानी आप परचेजिंग पावर मिल गई। सेकेंड आप उसे कैसे यूज करेंगे, क्या लेंगे क्या खाएंगे, उससे आपकी बॉडी को बॉडी बनेगी, आप हेल्दी हो जाएंगे। नाउ अब ऐसा नहीं है कि आपके फ्रेंड्स मिले आपको पुश करके या क्या बोलते हैं आपसे झगड़ा करके आपको छीन ले, तो ये क्या बोलते हैं विटामिन मिनरल का काम होता है। तो ये सिंपल एग्जांपल मैंने दिया तो ये है। तो विटामिन मिनरल वन बाय वन। अब बेटा देखिए व्हाट शुड बी ईटन, हमें खाना क्या चाहिए, तो बैलेंस डाइट, किसे कहते हैं बैलेंस डाइट। व्हाट शुड बी ईटन, व्हाट शुड बी ईटन, आप टीचर पढ़ाएंगे आप चेक करना कि वो कैसे पढ़ाते हैं, हमें क्या खाना चाहिए, व्हाट शुड बी ईटन, क्या खाना चाहिए। तो वी शुड ईट द बैलेंस डाइट, वी शुड ईट द बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, बैलेंस्ड डाइट। जैसे आप गेम खेलते हो, अगर आपका एक पैर उठ गया तो आप गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, वैसे हमारी बॉडी को क्या बोलते हैं बैलेंस डाइट चाहिए। तो बैलेंस डाइट किससे होगा, बैलेंस डाइट और बॉडी विल गेट फ्रॉम दीज न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इफ ऑल दीज विल बी प्रेजेंट, इफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ऑल न्यूट्रिएंट्स, ऑल न्यूट्रिएंट्स शॉर्ट में थोड़ा बताएंगे, ऑल न्यूट्रिएंट्स इफ प्रेजेंट दैट इज नोन एज बैलेंस डाइट, क्या कहेंगे बैलेंस डाइट। नाउ पिरामिड शेयर, आपका ये पिरामिड है बैलेंस डाइट का, दिस इज पिरामिड, इट इज गिविंग इन अ बुक, दिस इज पिरामिड ऑफ बैलेंस डाइट, दीज आर द फोर पार्ट्स, पिरामिड ऑफ बैलेंस डाइट। सो you know that is fat and sugar, fat sugar, fat and sugar, and sugar कहते हैं eat less, इसे कम खाना चाहिए, eat less, बहुत ज़्यादा हमें शुगर और क्या बोलते हैं ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मीन्स खाएं बट लेस। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क, ईट मॉडरेटली, ईट मॉडरेटली, ईट moderately,
ईट मॉडरेटली मीन्स इसको खाएं। बट उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फोर्थ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सब्जी और फल ईट मोर, हम ज्यादा ज्यादा खाएं, ईट मोर। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज ब्रेड एंड सीरियल्स, ब्रेड एंड सीरियल्स CERELS इसे कहते हैं अनाज, ग्रेन्स। ये सीरियल नहीं जो आपके टीवी पर आता, वो सीरियल नहीं, उस सीरियल को नहीं कहते हैं। सो ये कहते हैं ईट मोस्ट। अब ये बैल आपके पिरामिड चार्ट है, पिरामिड इसे कहते हैं पिरामिड्स ऑफ बैलेंस बी डाइट, बैलेंस डाइट चार्ट में बैलेंस डाइट यू आर लुकिंग, देख रहे हैं। सो हमें क्या ज्यादा खाना चाहिए, सबसे ज्यादा खाना चाहिए अगर अनाज हो, रोटी हो, चपाती हो, ब्रेड, मतलब आप ये नहीं खा रही जो ब्रेड मार्केट में मिलता, वो नहीं, ब्रेड मीन्स रोटी होती है, ज्यादा से हम रोटी खाएं और अनाज खाएं। सेकेंड फ्रूट्स वेजिटेबल बहुत और ज्यादा खाएं, फिर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट खाएं, लेकिन हमें क्या बोलते हैं फैट्स और शुगर ये कम खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू वर्क आउट, आप वर्कआउट करते नहीं हो, लोग वर्क आउट करते नहीं, मीन्स जिसे पसीना भाई से कहते हैं शुगर। नेक्स्ट वन आफ्टर दैट आई हैव टू न्यूट्रिएंट्स, सो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं इसे दिखा करके बस ओनली 5 or 7 minutes का। एक प्रॉब्लम कोई है, यू आर लुकिंग नो। नाउ नेक्स्ट वन अब बेटा न्यूट्रिएंट्स तो हमने आपको बता दिया, अब आपके बुक में है ही है, नेक्स्ट आपको हम खाली बताएंगे हेल्थ किसे कहते हैं, हेल्थ इज व्हाट, हेल्थ मीन्स दी स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग इज कॉल्ड हेल्थ। अगर हम इसका डेफिनेशन है द स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग इज कॉल्ड हेल्थ, उसे हम हेल्थ कहते हैं। सो इसीलिए कहा गया कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा खजाना है, हमारा स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, हेल्थ इज वेल्थ, इसीलिए कहा गया हेल्थ इज वेल्थ इसीलिए कहा गया कि हेल्थ जो है तो वेल्थ है, अगर हेल्थ नहीं चाहिए तो वेल्थ भी नहीं होंगे, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, इसे कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। नाउ अब हमें हेल्थ बनाने के लिए 5 steps लेने हैं बेटा, 5 steps। पहला स्टेप है कि वी हैव टू फर्स्ट बैलेंस डाइट। सेकेंड इज रेगुलर एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज। थर्ड प्रॉपर रेस्ट और फोर्थ इज गुड पर्सनल
हाइजीन यानी सफाई, एच वाई जी आई ई एन हाइजीन। और फिफ्थ वन लास्ट वन क्लीन, क्लीन क्लीन सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स। ये पांच पॉइंट है, फाइव पॉइंट्स है। तो फाइव पॉइंट में हमें अगर अपनी हेल्थ को बनानी है तो पहला है कि द स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग इसका वेल। सेकेंड मैंने आपको प्रोवर्ब बताया हेल्थ इज वेल। और बेटा स्टेप्स हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट, वी मस्ट इज बैलेंस डाइट। सेकेंड रेगुलर एक्सरसाइज, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी बॉडी में, एक्सरसाइज कसरत करनी चाहिए, दौड़ना चाहिए और सब खेल खेलना चाहिए। एंड सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर हेल्थ रेस्ट, आराम भी करें। गुड पर्सनल हाइजीन, शरीर की सफाई होनी चाहिए, नहाना चाहिए, नेल्स शुड बी ट्रिम्ड, नेल कटे होने चाहिए, बाल सही होने चाहिए, कपड़े साफ होना चाहिए, शरीर साफ होना चाहिए। इसे हम कहते हैं गुड एंड पर्सनल हाइजीन। लास्ट वन क्लीन सराउंडिंग, सब कुछ है। अगर हम हमारे रूम्स गंदे हैं, हमारे चारों तरफ गंदगी है, तो हमारी हेल्थ नहीं बन सकती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट फॉलो दीज स्टेप्स। ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हेल्थ ही बने रहेगी। इसीलिए कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, बनाए रखना। थैंक यू, हैव गुड डे। और बेटा इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और